यार विकास गुप्ता के बारे में हम बात ही ना करें तो बेस्ट है। वो बिल्कुल यूजलेस है। विकास गुप्ता भी तो सिलेक्ट नहीं हुआ था, एकदम से कैसे चला गया था, एकदम से कैसे चला गया। आपने जो बयान दिया था कि विकास गुप्ता की वजह से आप नहीं जा पाए, कितना, लेकिन विकास गुप्ता ने इसे नकारा है, इसमें क्या कहना है आपको? यार विकास गुप्ता के बारे में हम बात ही ना करें तो बेस्ट है, बिकॉज वो बिल्कुल यूजलेस है। उसके बारे में बात करना मतलब अपना दिमाग ख़राब करना, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे वो तो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, वो अच्छी चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं डालती हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं डालती हैं, आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि उन्हें अवार्ड कितने मिले, ऐसे ऐसे बात करने लगेगा। तो लीव इट, उसको छोड़ो अभी। और दानिश जहन के बारे में भी? नो आई डोंट नो, दानिश जहन का मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, लेकिन न्यूज़ आई हुई है। मैंने कुछ दानिश जहन का ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला था कि दानिश जहन के लिए जो शिल्पा ने ट्वीट किया था उसको मैंने रीट्वीट किया था, दैट्स इट। मैं दानिश जहन को भी नहीं जानती थी, मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज देखी, स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से वो सामने आया, तो मैंने कहा ये कौन बंदा है, तब जाकर मुझे पता चला कि वो उसका शो था ना, एस ऑफ स्पेस, तो उसने आया था। अच्छा, अगर इन फ्यूचर आपको खतरों के खिलाड़ी में जाने का मौका मिले तो जाना चाहेंगे? क्योंकि विकास गुप्ता ने क्लियर कहा कि शायद उन्हें चांस ही नहीं मिला था, आप सेलेक्ट ही नहीं हुई थी, इस तरह की बातें कर रहे हो। विकास गुप्ता भी तो सिलेक्ट नहीं हुआ था, एकदम से कैसे चला गया, विकास गुप्ता की तो न्यूज़ में ही नहीं था कि विकास गुप्ता जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। खैर सी, एक ही शो थोड़ी है खतरों के खिलाड़ी या फिर बिग बॉस, बहुत सारे शोज़ हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और ऊपर वाले ने अगर आपकी किस्मत में काम लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कलर्स पर ही काम करेंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं काम देने के लिए। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। मेरे अभी मैंने अभी नेगेटिव रोल कंप्लीट किया सावित्री देवी का, अभी मेरे पास 3-4 सीरियल्स के हैं, अच्छे बड़े बड़े सीरियल्स हैं, लेट्स सी, बट आई वांट टू गो इन मूवीज़, क्योंकि उसमें थोड़े दिन का शूट रहता है, उसके बाद प्रमोशन करो, आराम से बैठो, सीरियल में 12-12 घंटे लगातार लगे रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं एक्टर्स को, इसका क्या कहना है? जैसे नसरुद्दीन शाह का जो विवाद हुआ है रिसेंटली, देखिए मैं हमेशा से यही चीज़ बोली हूँ कि एज ए मुस्लिम मतलब अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो बड़ी गलत है, बिकॉज़ हमारे अब्बा जान तो हमेशा यही बोलते हैं कि इंडिया में हम लोग ज़्यादा सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, बिकॉज मैंने तो बचपन से हमेशा यही देखा कि हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम है इंडिया में रह रहा है, ऐसा नहीं है, हमें वही चीज़ मिली है जो एक हिंदू को मिली हो चाहे एक क्रिश्चियन को मिली हो, और मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा रहते थे और हम लोग सब मुस्लिम सब मिलके उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो सो आई डोंट नो कि हिंदू मुस्लिम या फिर इंडिया के अंदर नहीं है, बिकॉज़ मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला था, अभी अभी जानना स्टार्ट किया 4-5 साल पहले तो मैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया करती थी,